नमस्कार, आर एस अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत है। आज हम मक्के की टिक्की बनाना, हमने इस कटोरी से 2 कटोरी मक्के के दाने लिए हैं। इसे हमने उबाल लिया है, थोड़ा सा नमक डाल के इसे उबाला है। अब इसे हम मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे। देखिए, हमने मिक्सर में इसे दरदरा पीस लिया है। इसे हम एक बर्तन में निकालेंगे। हमने एक उबला आलू लिया है, उसे मैश कर लिया है और इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें कुछ मसाले, हरी मिर्ची, 2 चम्मच धनिया पत्ती, 1 कुटा हुआ काली मिर्च, 1 चम्मच 1 चम्मच 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। मिर्ची हो गया। और स्वाद अनुसार नमक लेंगे, हमने यहाँ 1 चम्मच लिया है। और सबको मिक्स कर लेंगे। हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी टिक्कियां बनाकर तैयार करेंगे। इसे हाथ से थोड़ा और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, फिर टिक्की बनाएंगे। देखिए, इस तरह हमने टिक्की बना ली है। इसी तरह हम सभी टिक्कियां तैयार कर लेंगे। हमने सभी टिक्की बनाकर तैयार कर ली है। अब हम 1 चम्मच मैदा लेंगे और इसका हम पतला घोल बना लेंगे। थोड़ा पानी डाल के इसका पतला घोल बनाएंगे। हमने तवे पे तेल लगा लिया है। हम टिक्की को मैदे के घोल में डिप करेंगे और हमने एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स और सफ़ेद तिल मिक्स करके लिया है। इसमें हम कोट करके तवे पे डालेंगे। इसी तरह हम सारी टिक्कियों को तवे पे डालेंगे। हमने सारी टिक्कियों को कोट करके तवे पे डाल दिया है और इसे उलट पलट करके सेकेंगे। देखिए, हमने इसे पलट दिया है और फिर तेल डाल करके
इसे और थोड़ा देर पकाएंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे उलट पलट कर सेकेंगे। हमें एक बार फिर से तेल डाल करके इसे अच्छी तरह से सेकेंगे ताकि हमारी टिक्की अच्छी तरह पक जाए। हमारी टिक्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। और जो टिक्की गोल्डन ब्राउन हो गया है उसे हम निकाल लेंगे और बाकी को हम उलट पलट कर सेक लेंगे। देखिए हमारी मक्के की टिक्की तैयार है। इसे हम सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।